गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए महानगर के सभी वार्डों में 6-6 दिनों के अंतर पर सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। इसके लिए 8 गाड़ियां लगाई गई हैं जो हर वार्डों में जा जाकर वार्डों को सैनिटाइज कर रही हैं। प्रत्येक 6 दिन पर वार्डों को दोबारा सैनिटाइज किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा, देखिए सैनिटाइजेशन हर वार्ड में हो चुका है और सार्वजनिक स्थल बड़ी बड़ी गाड़ियों द्वारा हम लोग प्रेशर क्रिएट करके पाइप से छिड़काव करके कर रहे हैं और गलियों में बैक रिडन पंपिंग छोटे छोटे पंप्स ले लिए हैं जिनकी सहायता से हम गलियों में कर रहे हैं। तो गलियों का काम तो लगातार चल रहा है। बड़ी गाड़ियाँ हमारे पास 8 हैं जिनका एक रोस्टर बना दिया है कि सार्वजनिक स्थल का हम इस तरह करेंगे। जहाँ पर ज़्यादा भीड़ फुटफॉल हो रहा है जैसे ये मंडी है या फिर मेडिकल की भलोटिया मार्केट है जहाँ मेडिकल की दुकानें खुली हैं तो वहाँ ज़्यादा जल्दी हम लोग कर रहे हैं। अदरवाइज अन्य जगहों पर भी सैनिटाइजेशन हो रहा है तो हर वार्ड में हो चुका है। रोस्टर बना हुआ है सार्वजनिक स्थलों का, क्योंकि इस समय लॉकडाउन है, बाहर लोग निकल नहीं रहे हैं, इसलिए सार्वजनिक स्थलों पर बहुत ज़्यादा सैनिटाइजेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन गलियों में चूँकि पानी निकल रहा है, लोग अपने दरवाजे तक निकल रहे हैं, तो गलियों में बैक वाले जो बैक रिडन पंपिंग छोटी छोटी मशीनें होती हैं उनकी सहायता से छिड़काव कर रहे हैं। वार्डों में प्रत्येक वार्ड में हमने डेडिकेटेड एक पीठ वाली दो पीठ वाली मशीन दे दी है तो उससे तो लगातार चल रहा है गलियों में सैनिटाइजेशन। जहाँ पर सार्वजनिक स्थल हैं, बाजार है या ऐसे स्थानों पर जैसे अभी हमने बताया है तो वहाँ पर एक रोस्टर बनाया गया है जहाँ बड़ी मशीनों से हो सकता है, बड़ी मशीनें छोटी गलियों में नहीं गुजर सकती हैं, तो उनका रोस्टर बनाया है। हर 6 दिन बाद उस रोस्टर में सार्वजनिक स्थल आ रहे हैं वार्ड के। तो ये कहना कि वार्डों में लगातार सैनिटाइजेशन चल रहा है लेकिन जो मुख्य मार्ग है उनका सैनिटाइजेशन बड़ी मशीनों द्वारा किया जा रहा है जो रोस्टर के मुताबिक किया जा रहा है।